हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या होता है ये एग्जैक्टली समझते हैं। उसके पहले एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि अभी तक के हमने जितने भी मैग्नेट देखते हुए आए हैं, उन मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप में हमने देखे हैं, राइट? अभी तक मैग्नेट के पोल्स हमने जितने भी टाइप के टॉपिक्स पे जितने भी टाइप में देखे हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप में रहे हैं, लेकिन अब इनका जो ये पोल है वो कॉनकेव शेप के होने वाले हैं, एंड उसी पे ये बेस्ड कंसेप्ट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज होने वाला है, एंड बेनिफिट क्या है चलिए उसको समझते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में, इस मतलब कि इस दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कंडीशन पे जो ये पोल्स होते हैं उनको कॉनकेव शेप में बनाया जाता है। वैसे इस डायग्राम को बहुत एक्सप्लोर करके दिखाया गया है, इवन इनका जो कर्व है बहुत ज़्यादा क्लोज तो होना चाहिए। ओके, अगर मैं सिंपल टर्म में बनाना चाहूँ तो इस टाइप से होना चाहिए कि नियरली वो ऑलमोस्ट सर्कल बनना चाहिए एंड थोड़ी सी जगह छूटनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इस मैग्नेटिक पोल्स को सिलिंड्रिकल शेप बनाते हैं तब जाकर के हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ओके, रेडियल मतलब जहाँ आपको रेडियस मिले, राइट? रेडियस इन द सेंस आपको सर्कुलर शेप, सिलिंड्रिकल शेप होना चाहिए। ओके, एंड वहाँ पे रेडियस से डील होनी चाहिए, तो उस कंडीशन पे जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब रीजन ये आता है कि ऐसा क्यों किया गया, राइट? तो रीजन ये है उसके पीछे का कि यहाँ पे जब कभी हम मैग्नेट पोल्स के मैग्नेट के पोल्स के बीच में कॉइल को प्लेस करते हैं तो हर कंडीशन पे ये कॉइल एंड मैग्नेट के पोल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलवेज ईच एंड एवरी कंडीशन पे कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल कंडीशन पे ही मिलेगा। कैसे? आप ऐसे रखिए, कैसे भी रखिए, तो जनरली क्या होता है, मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। यहाँ से इधर डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसे यानी सेंटर से इधर जाएगा, आपको हर कंडीशन पे मिलता है। ऐसे ही सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी भी कंडीशन पे अगर आप रखेंगे तो वो हमेशा पैरेलल ही होगा। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल मिलने वाले हैं। ओके, एंड इसको बनाने के लिए जनरली सॉफ्ट आयरन का यूज होता है, सॉफ्ट आयरन कोर बोल सकते हैं आप। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जो परमिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड इस वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। यानी कि अगर हमको जब कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उस कंडीशन के लिए हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही हेल्प कर सकता है। ओके, एंड सिंपल सी बात है, ये हमको एक फील्ड प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको एकदम बेस तो क्लियर हो ही गया होगा। तो बेसिकली यही थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड ये कंसेप्ट आपको आगे आने वाला है। एंड आपको इस कंक्लूजन पॉइंट में ये याद रखना होगा कि ऑलवेज वेन एवर यू आर डीलिंग विद द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन पे कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा जो एंगल होता है, या एंगल की बात नहीं करते हुए अगर हम बात करें कि वो कैसे होते हैं, तो पैरेलल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड पैरेलल है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।